ये देखिए चने की दाल को मैंने बॉईल कर लिया है और इसमें हल्दी डाल के बॉईल कर लिया है। अब इसमें देखिए ये अजवाइन डालूंगी, ये देखिए अजवाइन डालती हूँ और इसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। अब मिक्स करती हूँ सारा। इसमें अजवाइन डाल दिया है, अब स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालूंगी। ये देखिए स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। दोस्तों इसकी कचौड़ियाँ बनाने वाली हूँ, चने दाल की कचौड़ियाँ, और ये बहुत टेस्टी होता है, आप भी बनाइए और खाइए। और ये एक एक छोटी चम्मच मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब ये हरा मिर्च काट के डालूंगी, इसलिए थोड़ा कम ये डाल रही हूँ, स्पाइसी थोड़ा कम डाल रही हूँ, हरा मिर्च भी काट के डालूंगी। ये हरी मिर्च है, कटा हुआ हरी मिर्च है, ये लहसुन है, ये अदरक है, सब काट के इसमें डालूंगी ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है काट के डालने के बाद। और हींग से इसका छौंका लगाऊंगी। और ये कचौड़ियाँ बहुत बढ़िया बनती है, आपको भी ट्राई करना और इसे अपनी फैमिली के साथ शेयर करना, बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये यहाँ पे रख रही हूँ और इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी, देखिए हाफ छोटी चम्मच जीरा डाल रही हूँ। और गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे, ये देखिए इतना सा हींग डालती हूँ, हींग डल गया है। और ये सारा डालेंगे, आप चाहो तो इसमें मंगरेला का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको मिक्स करेंगे, गोल्डन ब्राउन हो गया है और ये हो गया है, ये सारा दाल अब इसमें जो मसाला मिला के रखी थी इसमें पहले से इसमें डाल दूंगी और इसको मिक्स करूंगी। अब ये देखिए फ्राई हो गया है, मिक्स कर दिया है, ये सारे फ्राई हो गए हैं, मसाला भी इसमें भून गया है। फ्लेवर के लिए आप चाहो तो गरम मसाला डाल सकते हो, चाट मसाला डाल सकते हो, मगर मुझे चाट मसाला इसमें अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं डाल रही हूँ, आप चाहो तो डाल सकते हो, मुझे खट्टा पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये कचौड़ियाँ बनने के लिए अब रेडी हो गया है मसाला इसका। अब इसकी गैस की फ्लेम करते हैं बंद और कचौड़ियाँ बनाते हैं। ये देखिए मैंने आटा गूंथ के रेडी कर लिया है और ये टाइट आटा गूंथा है, कचौड़ियों के लिए टाइट आटा गूंथे। और इसमें मैं नमक उमक नहीं दी हूँ, सादा आटा गूंथ के रेडी कर ली हूँ। इस तरह से आटा गूंथ के रेडी कर ले और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, 10 मिनट बाद में। अब इसमें से ऐसे आटा ले लिया है और इसके एक अच्छे से डो बना लूंगी, इस तरह से जैसे आप फिलिंग भरते हो ना उसके लिए डो बनाते हैं, उस तरह से मैं बना लूंगी। और इसमें चाहे तो आप थोड़ा सा आटा लगा ले, हल्का सा आटा लगा लिया है इसमें, ये देखिए। और इस तरह से इसका एक लोई का आकार दे दे देंगे। और ये फिलिंग है कचौड़ी की, इसमें डाल देंगे, ये दाल है, दाल को जो मैं फ्राई करके रखी थी ना, ये सारे इसमें हल्का हल्का डाल दूंगी, जितना इसमें आ सके डाल के इसको, अब इसको क्लोज करेंगे, ये देखिए इस तरह से कर ले, अब इस तरह से कर ले, इस तरह से, ये देखिए। अब कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें ऑयल डालेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये है साचा और इसमें फ्लावर बने होते हैं, ये छोटे 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 फ्लावर बने होते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाऊंगी और इसको ऑयल से ऐसे ग्रीस करूंगी इस साचे को, इसी से, और मैं इस पे इसको प्रेस करूंगी, ऐसे ऐसे करके प्रेस करूंगी ताकि हमारी कचौड़ियां फ्लावर बने, इसमें एक तरफ से फ्लावर दिखेगा आपको कचौड़ियां में। मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए एक तरफ से देखिए कैसा अच्छा फ्लावर सा बन रहा दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना डिजाइन अच्छा लग रहा है। और ये फ्राई करने के बाद भी इसके डिजाइन ऐसे ही रहते हैं, मिटते नहीं है। और मैं दूसरा बनाती हूँ, इसी तरीके से सारा बना के रख लूंगी। कचौड़िया करके मैं इसमें डालूंगी ऑयल में और इसे फ्राई करूंगी मीडियम फ्लेम पे, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें, ये देखिए। ऐसे ही सारे फ्राई कर लूंगी, ये देखिए फ्राई हो गया है, अब मैं इसे निकाल लूंगी। ये देखिए इसका, देखिए फ्लावर तो नहीं खत्म हुआ ना, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और इसे मैं निकाल लूंगी तेल छान के। देखिए दोस्तों ये कचौड़ी बनके रेडी हो गया है, अब मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ,
ये देखिए कितना बढ़िया बना है, देखा बाहर से क्रंची और अंदर से जूसी। ये देखिए देखिए फीलिंग हमारी कैसी भर के रेडी हो गई है। ये देखिए है ना अच्छी। दोस्तों आप भी बनाइए और खाइए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।